ये घर जब मैं नया नया आया था तब से तमीर हो रहा है। जब मैं नया नया आया था तब ये खुदाई कर रहे थे, तो अभी ये काफी बना दिया इन्होंने और कंस्ट्रक्शन वगैरह इतनी मजबूत की हुई है इन्होंने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूं। तो मेरी आंखों से देख के आपको पता चल रहा होगा कि अभी सो के उठा हूं। सुबह काम पे गया था, काम से आने के बाद नाश्ता वगैरह किया तो आगे सो गया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ जी बाल कटवाने के लिए। फाइनली 2 महीने हो चुके हैं मुझे। जब मैंने पहला व्लॉग अपलोड किया था तब मैंने बाल कटवाए थे। तो अभी दोबारा जा रहा हूँ, तकरीबन ये 2 महीने। तो व्लॉग में आने की कोशिश की गई है जी। तो मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ जी? तो मैं बात कर रहा था कि 2 महीने हो चुके हैं मुझे बाल कटवाए हुए। दाढ़ी वगैरह तो मैं घर पे सेट वगैरह कर लेता हूँ, लेकिन बालों के लिए मुझे सलून पे ही जाना पड़ता है। तो लास्ट टाइम जब मैंने बाल कटवाए थे तो बिल्कुल छोटे छोटे करवाए थे मैंने, जिसकी वजह से 2 महीने गुजर गए। नहीं तो मुझे हर महीने जाना पड़ता है सलून पे। तो एक तो यहाँ पर महंगा बहुत होता है, दूसरा अपॉइंटमेंट के लिए वेट करना पड़ता है आपको बहुत ज़्यादा। अभी भी मैंने मंगल की अपॉइंटमेंट ली थी, आज हफ्ते का दिन है, 3 बजे की अपॉइंटमेंट है मेरी। चलो बहरहाल कोई नहीं, अभी चलते हैं सलून पे। मौसम भी आज इतनी हवा तेज चल रही है ना, आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो बहरहाल चलते हैं, बाल वगैरह कटवाते हैं और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपके साथ। लेट्स गो। अच्छा, तो बाइक देखी है आपने खड़ी हुई। अभी मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में अगर किसी के पास ऐसी बाइक होती, क्या वो ऐसी खड़ी करता? पाकिस्तान में किसी के पास 70 भी हो या साइकिल भी हो तब भी वो बाहर खड़ी नहीं करते। तो ये यहाँ पे तकरीबन डेली खड़ी होती है। मैं काम पे जाता हूँ तो इसी रास्ते से जाता हूँ, तो डेली देखता हूँ यहीं पर खड़ी होती है। तो इसके साथ और भी एक दो खड़ी होती हैं, वो नहीं थे शायद, वो गेड़े के लिए गए होंगे। तो बहरहाल अभी मैं पहुँच आया हूँ जी सलून पे ऑलमोस्ट। तो अभी कटवाते हैं बाल, लेट्स गो। Hallo, guten Tag. Wie geht's dir? Gut, und dir? Auch ganz gut. Alles gut? Gut, ja, bei dir? Alles gut. Sehr gut. Ich habe einen Termin bei dir. Um 15 Uhr. Nicht bei dir? Ja. Asim? Sehr gut, aber ich kann nicht mehr kommen. Kannst du ein bisschen warten? Ich habe keine Lust. Ja, ja, kein Problem. Diese Feier ruiniert meine Kämpfe. तो बाल वगैरह कटवा लिए जी मैंने, अभी मैं जा रहा हूँ सुपरमार्केट, वहां से एक चीज लेनी है, तो वो लेते हैं फिर चलते हैं घर वापसी की तरफ।
एंड हो गया जी मेरे साथ। सुपरमार्केट पीछे है तो मैं आगे चला गया था काफी ज्यादा, अभी मुझे फिर दोबारा चल के वापस जाना पड़ रहा है। अच्छा यहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाती है, ठीक है। ये देख लें, ये सारे पिज़्ज़े वगैरह लगे हैं फ्रीज हुए हुए, हर फ्लेवर के हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है आपको। हेलो, हाँ जी, ओनर बॉक्स मिट पोमस। हाँ ओके ओके, या या ओके। तो बोल ही है सर। बीबी जी? ही है सर मिट नेम। या मिट नेम है। राइस आप कुछ मिट। या ओके। लग चुकी है जी भूख, सोचा खाने के लिए ले लेते हैं, तो मैं आ चुका हूँ जी यहाँ पे ट्यूनर तुर्की शॉप पे, तो वहाँ से ट्यूनर लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहुत अच्छे लोग थे यार, शॉप वाले तुर्की थे। ये जो लोग हैं ना, ये बंदे को चेहरे से पहचान लेते हैं, उसको पता चल गया था मैं पाकिस्तानी हूँ। मुझे पूछ रहा था लाहौर से है मैं, नहीं गुजरात से हूँ। हाँ जी, बाल तो मैंने कटवा लिए, मैंने आपको बताया नहीं है कि कितने पैसे लगते हैं बाल कटवाने के लिए। तो बाल कटवाने के लिए यहाँ पे 30 यूरो लगे हैं जी मेरे अभी दाढ़ी और बालों के लिए। तो बहुत एक्सपेंसिव होता है जी पाकिस्तानी, ये 9000 रुपया बनता है, और 9000 में बंदा पाकिस्तान में आराम सुकून से 6 महीने हर 15 दिन के बाद भी कटिंग करवाए ना, फिर भी बच जाते हैं भाई आराम सुकून से। तो ये सीन है जी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पे कटिंग वगैरह। अभी हर तरफ बाल लगे हुए हैं, एक मिनट में ये बाल साफ कर लूँ। जाके आराम सुकून से नहाएंगे। तो अभी मैं बस स्टॉप पे पहुंच चुका हूं जी, यहां से मैं बस लूँगा, वही बस लूँगा मैं जो मैं काम पे जाने के लिए यूज़ करता हूं। तो बस ऑलमोस्ट आने वाली है, तो बस लेते हैं और चलते हैं घर वापस। अच्छा आपको एक बहुत ही मज़े की बात बताता हूँ जर्मनी के बारे में, कि जर्मनी में आपने अगर कहीं भी जाना है आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, इवन के आपको सुपरमार्केट तक भी जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर मोस्टली बहुत कम होता है, लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा लक हो तो आपको कहीं पास घर वगैरह मिल जाता है, लेकिन मोस्टली आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो अभी मैं घर पहुँचने वाला हूँ जी, आई थिंक वीडियो को ख़त्म करने का भी टाइम हो चुका है। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, और बेल आइकन को भी साथ में दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।